हेलो गाइस, नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा डेस्टिनेशन है, तो चलो। वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। अभी तो आपको पता ही होगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। यस, हम लोग जा रहे हैं गोवा। महाराष्ट्र के नज़दीक वाला सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट इन इंडिया इज गोवा। गाइस लेट्स गो। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हो वो है मडगांव KTC स्टैंड का। वहाँ का लोकल बस स्टैंड है जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। मतलब मडगांव स्टेशन से उतरने के बाद वहाँ से रिक्शा करके हम लोग को ये बस स्टॉप पर आना पड़ता है। तो फाइनली बस आया है और हम लोग बस में बैठ के फोंडा के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये जो आप व्यू देख रहे हो वो मेरे फ्रेंड के घर से है। मतलब गोवा का जो सीनिक ब्यूटी है आप कहीं से भी देखो, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। तो उसके घर पे गए, सुबह फ्रेशन अप हो गए और हम लोग गए सीधा पणजी। वहाँ से हम लोग ने स्कूटी रेंट किया और हम लोग फर्स्ट डे के लिए निकल गए। ऑन द वे इतना अच्छा ब्यूटी और इतना अच्छा लैंडस्केप व्यूज़ थे कि हम लोग मतलब हर एक किलोमीटर के बाद रुकते थे और हम लोग फोटोज खींचते थे। थोड़े टाइम के बाद हम लोग वहाँ पे रुक गए। अब वहाँ पे हम लोग ने सुरमई थाली ऑर्डर किया था, इट वाज अमेजिंग। वहाँ से कुछ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की राइड के बाद हम लोग पहुँच गए सलाउलिम डैम। ये है उसका एंट्रेंस। एंट्री फी है उसका 20 रुपीज़ आई थिंक, और वो लोग आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखते हैं। और यही से हम लोग को आगे जाना है। ये जो आप पीछे जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ऊपर हिली जैसा, बेसिकली वो डैम है। अब जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ से आप घूम के देखोगे पीछे तो ये व्यू दिखता है। वो जो रोड है वहीं से हम लोग चल के आए थे ऊपर। थोड़ा आगे जाके तो आपको दिखेगा द यूनिक सलाउलिम डैम। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज _nikhilbapat_go एंड चेक इट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन।